अद्य मंगलवासरः अथवा सोमवासरः पौष शुद्ध तृतीया अंगारक चतुर्थी च दिनांक 10 जानेवारी 2023 शरद केंद्रीय स्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलविकां दधतमृत घटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्याशुक्तपरिबिलसन् मौलिमं भोजमेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य जयन्विक्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः मला काय कळलं नाही. प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. काय म्हणत नतो अरिष्टस्य जातस्य नाशोस्ति मरणाद्रुते. अरिष्ट एक बार निर्माण हुआ तो मरण के बिना उसका नाश नहीं है. मरण चापि तन्नास्ति अन्नारिष्ट पुरस्सरम. और जिसमें शुरू में अरिष्ट नहीं हुआ हो वो मरण ही नहीं है इस प्रकार से. तो ये काफी अजीब बात है मरण चापि तन्नास्ति अन्नारिष्ट पुरस्सरम इस प्रकार से. तो इसका मतलब ये है कि रिष्ट होता ही है. मृत्यु जब आती है तो रिष्ट होता ही है. फिर हमारे ध्यान में क्यों नहीं आता तो थोड़े देर के लिए होता है ये एक बात हो सकती है. या हमारे परे अगर वो हो गया कि जब हम नहीं थे वहां पे मौजूद और उस समय में ये हो गया तो मुश्किल वाली बात होती है. और फिर हमें पता नहीं चलता कि अचानक मृत्यु इस प्रकार की कैसे हो गई इस प्रकार से. और इसमें दैव भी एक कारण हो सकता है. तत्काल व्यक्त में दिनास्ते दैवम प्रकार से. और फिर उसके बारे में पता नहीं चलता. ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है. मिथ्या दृष्टम अरिष्टाभम अनुष्टम अनाज अजानता अरिष्टम वापि असंबुद्धम एतत् प्रज्ञापराधजम. तो मिथ्या दृष्ट है अरिष्टाभ इस प्रकार का है. अरिष्ट नहीं है लेकिन अरिष्ट कैसे दिखने वाला है. अनरिष्टम और वास्तव में अरिष्ट नहीं है लेकिन अजानता अरिष्टम वापिस असंबुद्धम. और जिसको जाना नहीं गया है अजानता इस प्रकार के अरिष्टम वापि असंबुद्धम. और अरिष्ट है फिर भी समझा नहीं गया
एतत् प्रज्ञापराधजम्, ये सब प्रज्ञापराधजम इस प्रकार का है। तो अजानता मैं समझता हूँ व्यक्ति विशेषण करके मिथ्या दृष्टम अरिष्टाभम अनरिष्टम, इससे जोड़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तेन रिष्टे सत्यपि मरणम न भवति इति ज्ञानं भ्रांत तथा रिष्टम विनापि कच्चित् मरणम भवति इति ज्ञानं भ्रांत तस्तश्च सिद्धोऽयम् सिद्धा अव्यभिचार्या मरणरिष्टयोः इति वाक्यार्थः। फिर भी वाग्भट में एक जो आया है कि ध्रुवम कविष्ठे मरणम ब्राह्मणे किला मिलेगी, तो ये एक अलग इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। ज्ञान संबोधनार्थं तु लिंगेर मरण पूर्वजैः पुष्पितान् उपदेक्षामो नरान् बहुविधैर् बहु। तो ज्ञान के जानने के लिए संबोधन के लिए मरण पूर्वजे ही लिंगे ही, मरण पूर्व इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं पुष्पिताम, ये पुष्पित इस प्रकार के उपदेक्षामो नरान् बहुविधैर् बहून, तो अनेक प्रकार से और अनेक इस प्रकार के लिंगों को लक्षणों को मैं बताता हूँ इस प्रकार से। नाना पुष्पोपमो गंधो यस्य भाति दिवानिशम पुष्पितस्य वनस्य व नाना द्रुम लतावतः समाहु पुष्पितं देरा नरम मरण रक्षणे। तो नाना द्रुम लतावतः पुष्पितस्य वनस्य इव, विभिन्न प्रकार से द्रुम लता इनसे युक्त इस प्रकार के और पुष्पित जिसमें फूल खिले हैं इस प्रकार के वन में, जिस प्रकार का नाना प्रकार नाना पुष्पोपमो गंधा, नाना पुष्प सदृश इस प्रकार का गंध यस्य दिवानिशम भाति, जिस व्यक्ति का रात्रि दिन इस प्रकार का गंध आता रहता है तमाम पुष्पितम धीरा नरम मरण लक्षण, तो वह मरण लक्षण से पुष्पित इस प्रकार का हो गया है ऐसा समझ लेना, तो उसको आने वाली है समझ लेना। सना संवत्सरा देहम जहाति इति निश्चय, तो वो व्यक्ति एक संवत्सर में निश्चित रूप से देह का त्याग करता है ये संशय नहीं है। फिर भी एक बरस की कालावधि बहुत बड़ी है और इसलिए अगर थोड़ा सा सुधार होता है उसमें तो हमें लगता है अरे रिश्ते नहीं था इस प्रकार से, तो ये भी बात वास्तव में नहीं है। एवं एकैकशः पुष्पैर्यस्य गंधसमो भवेत् इष्टैर्वा यदि वा अनिष्टैः सच पुष्पित उच्यते। एक एक फूल के जैसा जिसका गंध होगा इष्ट या अनिष्ट दोनों प्रकार से सच पुष्पित उच्यते उसको भी पुष्पित कहा जाता है। समासेन अशुभान गंधान एकत्वेन अथवा पुनः आजिग्रहित यस्य गात्रेषु तम विद्यात् पुष्टितम् विषम। संक्षेप में ऐसा है कि अशुभ गंध एक या अनेक इस प्रकार से जिसके शरीर से निकलती है तम विद्यात् पुष्टितम् विषम, तो उसको पुष्पित समझ लेना चाहिए। आप्लुतानाप्लुते काये यस्य गंधा शुभा शुभा दत्यासेन अनिमित्ता स्युः सच पुष्पित उच्यते। आप्लुत या अनाप्लुत इस प्रकार के शरीर में जिसके गंध शुभ अशुभ इस प्रकार के निर्माण होते रहते हैं व्यत्यासेन अनिमित्ता स्युः, शुभ और अशुभ व्यत्यासेन, तो कभी शुभ गंध कभी अशुभ गंध इस प्रकार से और अनिमित्त अच्छा पुष्पित उच्चते उसको भी पुष्पित इस प्रकार का कहा जाता है। तो स्नान आप्लुत और अनाप्लुत स्नान करने के बाद भी या स्नान के बगैर भी इस प्रकार से अगर वो होता है तो अच्छा अप्लुताना अप्लुत विशेष व्यत्यासः। यासाठी वनातील सर्व फुलांचा वास माहिती पाहिजे है, लेकिन कम से कम फूलों की गंध आ रही है ये तो समझना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो यथा चंदनं कुष्ठं तगरा गुरुणी मधु माल्यम मूत्र पुरीषे च मृतानि कुणपानि च। अरे बाप, तो चंदन कुष्ठ तगरा अगरु और मधु
इनके दंड इस प्रकार के, माल्यम, मूत्र पुरुषे च मृतानि कुणपानी च, ये तो पुष्प से संबंध नहीं रहा, मूत्र और पुरुष और मृत कुणप गंधी इस प्रकार है। ये चांदे विविधात मानो गंधा विविध यौनया ते अपि अनेन अनुमानेन विज्ञेया विकृतिं गता। तो ये दूसरे जो गंध है वो भी विविध प्रकार के, विविध यौनया, विविध जगह से निष्पन्न होने वाले विविध योनि वाले इस प्रकार के, ते अपि अनेन अनुमानेन विज्ञेया विकृतिं गता। तो इसी अनुमान से ये विकृत है इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। इदं चाप्यतिदेशार्थं लक्षणं गंध संश्रयं वक्षाम यदभिज्ञाय भिषं मरणम आदिशेत। तो ये अतिदेश के लिए लक्षण गंध संश्रय जो है, वक्षामो यदभिज्ञाय जिसको जानकर भिषं मरणम आदिशेत। वियो निर्विदुरो गंधो यस्य गात्रे शुजायते इष्टो वा यदि वा नष्टो स न स जीवति ताम समाम एतावद् गंध विज्ञान। वियोनि विदुर इस प्रकार का गंध जिसके गात्र में निर्माण होता है, इष्ट या अदे अनिष्ट न स जीवति ताम समाम, तो वो उस संवत्सर को जी नहीं ले पाता इस प्रकार का। तो ये सब गंध विज्ञान के बारे में, एतावत गंध विज्ञान तो दूसरा अध्याय एक्चुअली है। मृतादि मानुष्य व्यतिरिक्तानि गवादीनि मृतानि कुणपानि तो मानुष्य शरीर है, कुणप कोई भी हो सकता है, मानुष्य शरीर ही होना है ऐसा नहीं है। विविध योनि नाना द्रव्य कृत धूपवर्त्यादि गंधान ग्राहयति विविधात्मानः इत्यनेन तु अकृत्रिम नाना द्रव्य गंधा उच्यन्ते अनेन अनुमानेन ते अप्लता नाप्लते इत्यादि ग्रंथोक्ता इत्यादि ग्रंथोक्ता रिष्टानुसारेण अतिदेशार्थम इति अनुक्त ज्ञानार्थम वियोग वियोनिरिति निर्हेतुकः विदुरः इति स्थायी। अरे बाप रे, ये थोड़ा अजीब है। वियोनि का मतलब जिसमें से वो गंध निकलना चाहिए उससे दूसरे किसी जगह से यहाँ निकल रहा है तो वियोनि होगा, और विदुर बहुत दूर से अगर गंध आ रहा है इस प्रकार से, ऐसा लग रहा है दूर से आ रहा है इस प्रकार से, तो फिर या दूर तक गंध फैल रहा है उसका, तो ये सीधा साधा मतलब है, वो बेटर ऑप्शन है। असज्ञानम अतः परम आतुराणाम शरीरेषु वक्षन वक्षते विधि पूर्वकम। तो अभी रसज्ञान के बारे में बताते हैं विधि पूर्वक इस प्रकार। योरसः प्रकृतिस्थानां नराणां देह संभवा सशे सयेषां चरमे काले विकारं भजते द्वयम्। तो प्रकृतिस्थ जो लोग हैं उनके देह संभव जो रस होता है वो चरम काल अंतिम काल में विकारं भजते द्वयम्। दो प्रकार के विकार उसमें निर्माण होते हैं। कश्चिदेवास्य वैरस्यम अत्यर्थम उत्पद्यते, कहीं उसका आस्य वैरस्य अतीव आस्य वैरस्य इस प्रकार का निर्माण होता है। साधुत्वं परश्चापि विपुलं भजते रथा, या फिर अत्यंत समाधु इस प्रकार का उसका शरीर का रस बन जाता है। तमेनाने तम अनेनानुमानेन विद्या विकृतिम आगतम, तो उसी अनुमान से ये विकृति हो गई है ऐसा समझ लेना चाहिए। मनुष्य ही मनुष्य से कथम रथम अवाप्नुयात, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का रस कैसे जान सके इस प्रकार से। मक्षिकाश्चैव यूकाश्च दंशाश्च मशकैः सह विरसाद अपसर्पन्ति जन्तुः कायान् मुमूर्षतः। तो मक्षिका यूका दंश और मशक, दंश का क्या होता है, और मशक, ये सब विरसाद अपसर्पन्ति जन्तुः कायान् मुमूर्षतः। तो जो मुमूर्षु इस प्रकार की व्यक्ति है उसके शरीर से ये दूर निकल जाते हैं वीरस होने के कारण। अत्यर्थ रसिकं कायं कालपक्वस्य मक्षिकाः अपि स्नातानुलिप्तस्य वृषमायान्ति सर्वथा। और अगर शरीर अत्यंत रसिक इस प्रकार का, मधुर इस प्रकार का हो गया, कालपक्व, तो ये पक्व हो गया है, अभी छोड़ के जाने वाला है इस प्रकार से। मक्षिकाः अपि स्नातानुलिप्तस्य, स्नान और लेपन करने के बाद भी मक्षिका उसमें वृषमायान्ति सर्वशः, सभी जगह से
बहुत सारी मक्षिकाएं आती है। तो ये एक अहम इस प्रकार का है। और इसमें संवत्सर की मर्यादा है वास्तव में, लेकिन ये शायद बहुत जल्दी काम करता है। मेरे पास एक मैलिग्नेंट मेलेनोमा की केस थी, और जैसे मोल बढ़ता गया उसको निकालते रहे, तो 5वें मोल तक तो ठीक रहा, 6ठा मोल जब निकाला गया तो पूरे बदन में फैल गया निकल। और 300 से ऊपर इस प्रकार के मोल थे, और एक उसमें बढ़कर नारियल जैसा बन गया था, इतना बड़ा हो गया था। उसमें वुजिंग था और बहुत गंदी स्मेल, इस गंध इस प्रकार का था, बहुत वेदना थी। हर 4 घंटे में उसको फोटोजेनिक लेनी पड़ती थी इस प्रकार से। तो उस पर्टिकुलर मोल के लिए मैंने धूपन, जलाव का उच्चारण वगैरह सब किया, तो काफी दर्द कम हो गया, भीतर भी दवा चल रही थी। और फोर्टाजेसिक 6 गोलियां रोज लग रही थी, तो रात में 1 गोली, इतने तक कम हो गई इस प्रकार से। लेकिन हर रोज सुबह उसके पत्नी का फोन आता था, आज ये हुआ, अब ये हुआ वगैरह इस प्रकार से, और कुछ ना कुछ बताते रहती थी। एक दिन सुबह उसने फोन किया कि बताया कि आज की रात बहुत अच्छी गई और सोए रहे बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता है, तुम एक बार जाकर देखो। तो उन्होंने कल मुझे जगाया नहीं, उन्होंने ठीक है देखकर जाकर देखो एक प्रकार। तो उसने देखा और फिर मुझे तुरंत बताया कि पूरी चींटियां चढ़ गई है पूरे शरीर के ऊपर, बदन पर इस प्रकार से। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन बचने के चांसेस नहीं है बिल्कुल इस प्रकार से। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक डेथ हो चुकी थी। तो इसमें ऐसी बात है कि आत्मा उसका मालिक है, स्वामी है उस शरीर का, और वो जो छोड़ने लगता है वो उसका आरंभ होता है। तो चींटियों को पता चल जाता है कि बस अभी इसमें कोई मालिक नहीं है, तो हम कब्जा कर सकते हैं, और फिर चींटियां चढ़ जाती है इस प्रकार से, और तुरंत कुछ 1-2 घंटों में ही मौत होती है इस प्रकार। लेकिन मेरे खुद के पिताजी के बारे में मैंने देखा, ऐसी चींटियां चढ़ गई थी, लेकिन तुरंत तो मौत नहीं हुई। फिर हमने जो पलंग था उसके नीचे कटोरी में पानी रखा, काके ऊपर न चढ़ सके वगैरह इस प्रकार से। उसके बाद में 2 महीने तक वो जिंदा रहे। तो ये भी बात हो सकती है कि रिश्ता है, लेकिन तात्काल रिश्ता है इस प्रकार से है नहीं है। तो चिट्टिया मृत पर ही चढ़ती, ना जीवित में नहीं शायद, नहीं जीवित में भी चढ़ती है, चढ़ती नहीं है जब आत्मा छोड़ने लगता है। मेरे पिताजी के बारे में मैंने देखा तो वो तो जीवित थे, 2 महीने तक आके जीवित रहे इस प्रकार। तो ऐसा नहीं है कि केवल मृत व्यक्ति पर ही चढ़ती है इस प्रकार से। मैंने डिस्कवरी पर एक अजीब वीडियो देखा था, जंगली कुत्ते थे, आदमी अकेला था और जख्मों से भरा था, ताकत बिल्कुल नहीं थी आगे चलने की वगैरह इस प्रकार से। और सिर्फ ये जंगली कुत्ते से शेर भी डरते हैं, क्योंकि ये झुंड में शिकार करते हैं इस प्रकार से। लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि जब तक वो जिंदा था तब तक उन्होंने हमला नहीं किया, सिर्फ इर्द गिर्द चिरते रहे उसके। संयोग से मदद मिल गई उसको, कुछ ये आदिवासी लोग वहां पे पहुंचे, और फिर वो बड़ी मात्रा में थे तो उन्होंने कुत्तों को वहां से निकाल दिया और इसकी जान बच गई इस प्रकार से। लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि जागता रहे, अगर वो सो जाता तो शायद कुत्ते उस पर हमला कर देते। तो ये एक अजीब सी बात इस प्रकार की है।
तो वो शायद बराह देख रहे कि अभी मरने वाला है तो हम इसको खा लेंगे इस प्रकार से। तो ये भी अजीब बात है। सत्र श्लोक है, सामान्य न मयोक्तानि ज्ञान देते गम का है वैतुला। हाँ ठंडी बात है। तो पांगरो आंखिन दीव का दूसरा एक दूसरा है अतला हवा का तेल लाल सांप पाता दरे थी। क्यों अतले लाल जीव का ते अतले लाल सांप। हाँ वाला ते देव का तुला देव का क्या आई कंटा रहे हो गया था बस चलो उसने हाँ ये बात अरे अरे आई 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 कौन क्या क्या नहीं करते सर मैं लेक्चर क्यों का बंद करूं नहीं माला का ही नहीं तोड़ा हमने को आपको क्यों बंद कर दिया। हाँ माला नो नो अच्छा ठीक है एवढा अध्याय पूर्ण करूया आणि मग करूया। अस्मिस्नाता तो लिप्तस्य पुरुषम आयाति आयान्ति सर्वशः। तत्र श्लोकः सामान्येन मयोक्तानि लिङ्गानि रसगन्धयोः पुष्पितस्य नरस्य एतत् फलम् स्मरणम् आदिशति। तो रस और गंध के बारे में जो सामान्य रूप से मैंने ये लक्षण बताए हैं ये पुष्पित नरस्य इस प्रकार के तत्फलम मरणम आदिशति उसका फल जो है वो मरण इस प्रकार का है। इत्याग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने प्रक्षित कर इंद्रियम नामो द्वितीयोध्याय। द्वितीयोध्याय अथाथा परिमर्शन इंद्रियम व्याख्या श्यामा इतिहास महा भगवान आत्रेय वर्णे स्वरे च गंधे च रसे चोक्तम पृथक पृथक लिंगम मुमूर्षुताम सम्यक स्पर्शे स्पर्शेष्वपि निबोधते। तो अभी स्पर्श के बारे में ये बताते हैं। तो ठीक है आज यहीं पर रुकते हैं आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शास्त्र निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वंतरिंतम प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं।
शांति शांति शांति।